परिवर्तन जरूर आएगा, जरूर आएगा। बट परिवर्तन के लिए हम लोग टीएमसी सबका बीजेपी में आ रहे हैं सब लड़का लोग। अब की बार 200 पार। टीएमसी छोड़ के है हम लोग, टीएमसी छोड़ के आज 4000 से ज्यादा श्रमिक भाई लोग और उसके परिवार इलाका के साथ आज हम लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं। आज शामिल हुए, ये बताइए क्या क्या वजह पड़ी कि टीएमसी छोड़ना पड़ा? हम लोग टीएमसी में जब थे इतने साल 2013 से, लेकिन आज तक हम लोग का कोई भी श्रमिक भाई लोगों को किसी भी सरकारी सुविधा, कोई भी कामकाज का सुविधा, कोई भी लोकल लीडर से नहीं मिला है। और जब भी हम लोग आवाज उठाना चाहते हैं हम लोगों को केस करके दबाया जाता है, नहीं कार्यकर्ताओं पर केस कर, एकदम केस करा करा के लोगों को परेशान कर दिया जा रहा है। इसलिए हमारे श्रमिक भाई लोगों ने सारे मिलकर डिसीजन लिए कि भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करेंगे और इसको परिष्कार करेंगे। दीदी कह रही है कि बीजेपी वाले पैसा लेकर बुला रहे हैं। कोई हमें बीजेपी वालों ने पैसा नहीं दिया, हम लोग खुद अपना मेहनत का पैसा जोड़ जोड़ के गाड़ी भाड़ा करके आए हैं। हम लोग निमपुरा इराडी रेक साइडिंग के संगठन के, मैंने मैं सेक्रेटरी हूँ, ये हमारा जॉइंट सेक्रेटरी है दिलीप दास जी, ठीक है। हम लोगों ने मिल के आज सभी को बोल के इसको शामिल, 4000 के ऊपर लोगों ने शामिल किया। मैं दिलीप दास निमपुरा इराडी रेक साइडिंग का सेक्रेटरी हूँ। आज हम लोग बीजेपी पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत खुश हूँ। टीएमसी पार्टी छोड़ के आज बीजेपी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूँ, इसके लिए बहुत खुश हूँ हम। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि दीदी जी जैसी राम किनारे से भड़क जाती है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी कार्य करने से पहले मेरा ये मानना है कि भगवान का नाम लेने से शुभ होता है। पता नहीं दीदी क्यों भड़कती है, अब वो उनका विचार है, वो जाने। हम लोग तो हर किसी दिन सुबह से शाम तक जय श्री राम का नारा लगाते हैं, जय श्री राम। नंदी उस दिन नंदीग्राम में जो हुआ तो कहा कि दीदी क्या बीजेपी वाले चोट पहुंचा रहे हैं? देखिए, दीदी ने तो स्टेटमेंट दिया था कि उसे मार लग गई है, लेकिन बाद में जब दीदी हॉस्पिटलाइज हुई तो दीदी ने खुद अपने मुख से कहा कि मुझे गाड़ी के डोर से लग गया है। तो इसका प्रमाण तो खुद उसने दे दिया है। और हम लोगों इस विषय में क्या पूरा देश ने देखा कि क्या हुआ उस दिन, मतलब जब दीदी को लगा कि पासा उल्टा पड़ गया तो अपने आप बोल दी। हाँ, इसीलिए दीदी ने बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती है, और उसके बाद में उसको खुद अपने मुंह से अगर जो स्वीकार किए हैं भी बहुत बड़ी बात है। विकास हुआ इन 10 सालों में? इस 10 सालों में कोई विकास नहीं हुआ। बंगाल में बेरोजगारी की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। खड़गपुर शहर में कोई भी प्लान नहीं आया है। बेरोजगारी समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। दीदी जो कर रही है ये सिंपैथी के माध्यम से करना चाहती है, लेकिन पब्लिक समझती है कि कोई सिंपैथी नहीं मिलने वाली है। और दीदी के दूर देख सकते हैं आप, कुल मिलाकर इनका कहना है कि दीदी अब हारेगी चाहे कुछ भी कर लिया जाए। फिलहाल बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जुट है, और आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद है। क्या कहेंगे? इस बार ममता दीदी हार जाएगा, यहाँ हार जाएंगे, पक्का है, हार जाएंगे। उनका जो काम करने का कुछ ठीक नहीं है, यहाँ बीजेपी जीतेगा। क्या बोला? जय श्री राम, जय श्री राम, एक नारा, एक नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, एक नारा, एक नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है आप, कुछ भी नहीं किया दीदी, यहाँ कुछ नहीं किया है, खड़गपुर में कुछ नहीं किया है, खड़गपुर में कुछ नहीं किया दीदी, खड़गपुर में कुछ नहीं किया, खड़गपुर में। अभी हम लोग का नेता हिरणमय को चाहिए, मोदी को चाहिए, हम लोग का दिलीप घोष को चाहिए, चाहिए बीजेपी का सरकार बना गया बंगाल के अंदर। 2021 से पश्चिम बांग्ला आम जनता बीजेपी सरकार के, जिस तरह से मोदी देश के लिए इतना कुछ, अब की बार मोदी सरकार बंगाल में, बीजेपी सरकार चाहिए, बीजेपी सरकार। दीदी की मोदी को आना है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है।
है तभी वो महिला की सुरक्षा के लिए मोदी चाहिए, मोदी चाहिए, मोदी चाहिए। चोट पहुंचा, झूठ बोला दीदी, झूठ बोला दीदी, झूठ का भंडार है दीदी, झूठ का भंडार है दीदी, झूठ का भंडार हो सकता है कि बीजेपी वाले लोग चोट पहुंचा रहे हैं, सब झूठ है, सब झूठ का हवे खेला हवे दीदी का, झूठ झूठ बोलने का बनाने का बहाना चाहिए दीदी, दीदी झूठ बोलने का माहिर है। अच्छा हां हनुमान वाद के आते राम राम आज दीदी दीदी झूठ बोलता है उसका नाम है, झूठ बोलता मोदी का नाम है, दीदी झूठ बोलता है। बताइए महिलाओं को रोजगार दिया दीदी ने? दीदी कुछ नहीं दिया, दीदी कुछ नहीं दिया, बर्तन मांजने का रोजगार दिया, बर्तन मांजने का रोजगार दिया, बर्तन मंजवाती है, कुछ नहीं दिया, गैस सिलेंडर वगैरह दिया, कुछ भी नहीं, घर मकान नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं, कोई रोजगार नहीं, मोदी चाहिए मतलब कि पश्चिम बंगाल की महिला भी दीदी को नहीं चाहती है। दीदी तो कह रही है केला होगा नहीं, कह रहे हो दादा दीदी जय हो बेटी, दीदी जय हो दादा, कह रहे व्हील चेयर से बैठ के खेला करेंगी, नहीं होगा व्हील चेयर से खेला, बोलिए भारत माता की जय। ये बताइए क्या नाम है आपका, क्या नाम है? मंगल हंसा। ये बताइए दीदी पे आरोप लगता है कि दीदी मुस्लिम ही कैसी है, तो हिंदू नमाज पढ़ने चली जाती, कभी मंदिर से पढ़ने चली जा, मंदिर चली जाती है, मंदिर दीदी मंदिर जाते हैं, मुसलमान साहब धर्म उन्हीं धर्म हमारे करते हैं, बंगाली बोलते हैं, बंगाली हिंदू 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 राज कदम। दीदी दीदी कह रहे बीजेपी वालों की राजनीति है कोयला वाले में, दीदी कहना चल बे, इस बार 200 पर बीजेपी जिंदाबाद, दीदी हारेगा, अच्छा खेला हो बे दीदी संगे, खेला हो बे इस बार 200 पर खेला हो बे, खेला हो बे। तो क्या माहौल है आपकी बार, দাদা বলছি পশ্চিমবঙ্গে যেমন খেলা হবে তেমন পদ্ম ফুলের মেলাও হবে, খেলা হবে, খেলা হবে, 200 পার হবে। बोलिए परिवर्तन आएगा, परिवर्तन तो आ चुका है, अभी सिर्फ दीदी का जाने का हम लोग इंतजार कर रहा, और कुछ नहीं है, क्योंकि दीदी का पूरा दीदी खत्म कर दिया बंगाल को तोषण का राजनीति करके, और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके करके पूरा वेस्ट बंगाल का, अभी पूरा हिंदू मुस्लिम सभी हम लोग का बीजेपी को और मोदी जी का साथ आ गया है। जय श्री राम, और कुछ नहीं, नहीं जय श्री राम, ये
बताइए दीदी ने महिलाओं के लिए क्या किया इतने दिनों तक? कुछ भी नहीं, मुझे तो कुछ नहीं लगा। मुझे लगता है बीजेपी सब करेगा, इसीलिए सब कोई बीजेपी को ही चाहते हैं। अच्छा ये बताइए मोदी जी के बारे में क्या राय है आपका? मोदी जी के बारे में क्या राय है? मोदी जी के लिए राय है जो भी करेगा हम लोग के लिए अच्छा ही करेगा मोदी। और अमित शाह जी आज आ रहे हैं, क्या कहेंगे आज? अमित शाह जी ये जो परिवर्तन का लहर है ना, ये पूरा बंगाल को दिखाएगा। उसका बाद दिखाने के लिए आएंगे सुनार बांग्ला। दीदी तो कह रही है सुनार बांग्ला बना हुआ है। नहीं सुनार बांग्ला अभी तक नहीं बना, बीजेपी आने के बाद ही सुनार बांग्ला बनेगा। सुनार बांग्ला परिवर्तन परिवर्तन है असल। दीदी इतना सोनार बांग्ला बनाया, हर तरफ महिला का रेप हो रहा, हर तरफ संतरास हो रहा, खून हो गया। बंगाल में अमित शाह जी महिला के लिए करेगा। हम लोग का नरेंद्र मोदी जी उजाला योजना का अंदर घर घर महिला के लिए गैस दिया। और ये दीदी 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 इलेक्ट्रिक तो दीदी तो कह रही है सब मैं दे रही हूँ। दीदी दीदी कुछ नहीं दिया, सब ऊपर